नाजरीन केमिन में आपका खैर मकदम है, मैं हूँ साबिर अयूब। नाजरीन मारूफ सियाहती मुकाम सोनमर्ग जो सतह समंदर से करीब 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है, ऐसी एक मारूफ सियाहती मुकाम जिसकी बर्फीली चोटियाँ, जिसके सब्ज़ार और जिसके बीचों बीच पानी की रवानी यानी नाले सिंध बहता है, ये बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा है कि अगर धरती पे सरग है तो वो सोनमर्ग है। जो सोनमर्ग नहीं आया होगा, चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की या मुकामी लोग हो, उसने कुछ नहीं देखा है। हम इस वक्त जिस सड़क पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं दाएं साइड जो यह होटल है, ये एक रिवायती होटल है जिससे सोनमर्ग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये एक पुराना होटल है, ये एक दहाइयों से होटल है जो बिल्कुल यहाँ टूरिस्टों की खदमत करता है। ये होटल ऐसे ही नहीं बल्कि कोविड में और नामसाइद हालात में भी इन्होंने कई बार अपने दरवाजे खोल दिए थे। हम देख रहे हैं कि आप अगर आप इस साइड में जाएं हमारे बाईं साइड में, तो यहाँ एक मारूफ सियाहती मुकाम है, बल्कि ये बार बार देखने की एक जगह है, वो है यहाँ के ग्लेशियर यानी थाजवास ग्लेशियर। इसमें दो ग्लेशियर पड़ते हैं, एक छोटा ग्लेशियर और उसके बाद बड़ा ग्लेशियर, लेकिन अभी जो अदालत के अहकाम के मुताबिक इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है, अगर किसी को जाना है या तो वो घोड़े पे जा सकता है या पैदल जा सकेंगे। ये जो आप सोनमर्ग देख रहे हैं, मेरे पीछे जो रोड है, ये गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है, क्योंकि जोजिला दर्रा आता है, उसके बाद जीरो पॉइंट, फिर करगिल और उसके बाद जो यूटी है वो लेह की वो आ रही है, उसके बाद वहाँ भी देखने के बहुत सारे मुकामात हैं। लेकिन सोनमर्ग में आकर सोनमर्ग का जो टूर है वो एक ही दिन मुकम्मल नहीं होगा, कम से कम इस टूर के लिए 2 या 4 दिन लगते हैं। एक दिन आदमी जो है वो यहाँ थाजवास ग्लेशियर देखेगा, दूसरे दिन जीरो पॉइंट जाएगा और तीसरे दिन जो यहाँ के गिर्द नवा है, जो मुजाफात है, उनको देखने की चाहत होती है। और यहाँ जो बिल्कुल इंतज़ाम किए गए हैं, ये जो होटलर्स हैं इन्होंने बेस्ट इंतज़ाम किए हैं, और यहाँ के घोड़े वाले और जो बार बार टूरिस्ट कहते हैं, यहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं। केमन के लिए मीर शौकत के साथ सोनमर्ग से मैं साबिर हूँ।